इधर देखो, वेरी गुड, ये देखिए ये बच्चे का आई कांटेक्ट है, इधर देखो तला मेरी तरफ देखो, ये पहले इस बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं था, वक्त के साथ साथ इसे सिखाया है तो इसको समझ लगी है कि जब भी इसको नाम पुकारा जाएगा तो ये हमारे तरफ रिस्पॉन्स करे। तला मेरी तरफ देखो, वेरी गुड, ये क्या है तला? मोबाइल, वेरी गुड। ये क्या है तला? क्या ये, क्या ये? बॉल, हाँ बॉल, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है? गन, देते हैं देते हैं, गन गन। ये क्या है तला? ये क्या है? जोर से बोलो यारो, वेट करो, वेट 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 वेट, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, बताओ ये क्या है तला? जोर से बोलो, एरोप्लेन, हाँ एरोप्लेन, वेरी गुड। ये क्या है तला? टॉर्च, टॉर्च, जोर से बोलो टॉर्च, वेरी गुड, शाबाश। चला ये क्या है? बियरनी, टाइगर। जहां तक बन गई, जब जब भी हो वो कुछ बनी है ना, कुछ तो बनी। इधर देखो, इधर इधर मेरी तरफ देखो, ये क्या है तला? ऑक्टोपस, वेरी गुड, शाबाश। ये क्या तला? क्या है? हाँ डॉगी, डॉग, डॉगी, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है तला? जिराफ, वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? टैंक, वेरी गुड, टैंक, वेरी तला ये क्या है? हैट, हैट, वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? हाँ मसाजर, फिर से बोलो, मसाजर, वेरी गुड, मसाजर। ये क्या तला? क्या ये, पहले बताओ क्या ये? रैबिट, हाँ रैबिट देते हैं, वेट करो, वेट 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 करो, देते हैं। इफ्रा पीछे होके बैठ जाओ ना बेटा, पीछे होके बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पीछे होके बैठ जाओ, शाबाश। तला ये क्या है? ये इधर देखो, तला इधर देखो, ये क्या है? क्या है ये? हाँ ये क्या है? लॉइन, हाँ लॉइन, वेरी गुड वेरी गुड। इफ्रा बैठ जाओ, ये क्या तला? जिराफ, मुझे जोर से बोलो, जिराफ, वेरी गुड वेरी गुड। तला ये क्या है? हाँ हिप्पोपोटामस, फिर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हिप्पोपोटामस, वेरी गुड। तला ये क्या है? ये क्या है? कैमल, वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? ये वो, ये क्या है? एलिफेंट, वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? लॉक, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है तला? रोबोट, क्या ये? रोबोट, हाँ वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? ये क्या है? ये देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो तला, इधर इधर इस तरफ देखो, ये क्या है? हाँ हाँ ये बताओ ये क्या है? ये वॉच, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ये क्या है तला? जोर से बोलो, डक, देते देते हैं डक, देते हैं, वेट करो वेट। तला ये क्या? ये शूज, शूज, वेरी गुड। ये क्या तला? वॉच, वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या? ये देखो तला, इधर देखो, ये क्या है? डॉल्फिन, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? ये इधर 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 देखो, इधर इधर तला, इधर देखो, ये क्या है? ये क्या है? बनाना, वेरी गुड बनाना, वेरी गुड वेरी गुड। तला ये क्या है? हाँ गिरनी, लेपर्ड, लेपर्ड, हाँ लेपर्ड, वेरी गुड। तला ये क्या है? इधर देखो, इधर इधर
ये क्या है? इधर देखो, इधर ये क्या है? बियर। बियर, वेरी गुड, शाबाश। पता ये क्या है? ये इधर देखो, ये क्या है? इधर देखो, ये क्या है? स्टार। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। पता ये देखो, ये क्या है? ये जोर से बोलो। हाँ, मिकी माउस। मिकी माउस ठीक हो गया। ये देखो तला, ये क्या है? हाँ, म्याऊ, कैट, कैट म्याऊ। ये देखो ये तला, ये क्या है? ये स्टैग। फिर से बोलो, क्या है ये? स्टैग, स्टैग बोलो। हाँ, स्टैग। तला ये क्या है? ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर, ये क्या है? हाँ, शीप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये क्या है? ये एलिफेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पता ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये वेट को, वेट वेट वेट, क्या है ये? हाँ, कीड़ा है, कीड़ा, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा पता बेटा, फ्रूट्स के नाम, ये क्या है तला? हाँ, ये क्या है? ये फ्रूट कौन सा? ये नाम क्या है इसका? क्या नाम है इसका? एग प्लांट। हाँ, एग प्लांट दे दे, वेट को, वेट वेट वेट। ये क्या है? पाइनएप्पल। वेरी गुड, शाबाश तला। ये क्या है? ये ऐसे सीधा कर रहे इसको, ये ऐसे कर रहे सीधा। तला ये क्या है? एप्पल। वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? मशरूम। वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? पम्पकिन। वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? इधर देखो, हाँ, गावा। क्या ये? गावा। वेरी गुड, वेरी गुड। तला ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? इधर देखो, इधर इधर। तला ये क्या है? ये गावा नहीं है, कैबेज। हाँ, कैबेज। वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? कॉर्न। कॉर्न, वेरी गुड, कॉर्न, वेरी गुड। तला ये क्या है? ये पीच। पीच, पीच है। पियर्स, 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 पियर्स। वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? ये बनाना। वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? ये हाफ। ये हाफ क्या है? ये है, ये किसका नाम क्या है? हाफ क्या है? कैप्सिकम। हाँ, हाफ कैप्सिकम बोलो। हाफ कैप्सिकम। वेरी गुड, शाबाश। और ये क्या है? ये कैरेट। हाफ कैरेट। हाँ बोलो, हाफ कैरेट। वेरी गुड, शाबाश। तला ये क्या है? ये ग्रेप्स। हाफ ग्रेप्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये क्या है? चिली। हाफ चिली। हाफ चिली। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, इधर देखो, इधर सीधे को बैठो, सीधे को बैठो, सीधे को बैठो, शाबाश, शाबाश। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब मुझे 1 2 3 बताना, ठीक हो गया? बताओ, बोलो, 1, जोर से, शाबाश। 3, आगे जोर से बोलो। 4, जोर से, जोर से। 5, वेरी गुड। 6, वेरी गुड, जोर से बोलो। 7, 7, 8, 9, बोलो 9, 10, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, फंक्शन था फॉर द टेस्ट। नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऑरेंज ऑरेंज स्टूल पे बैठो, ऑरेंज स्टूल पे। वेरी गुड। ये जी, अब हम बच्चे को डिफरेंट जगहों पे रेंडमाइज करके मैंने सिटिंग सिखाई हुई है ताकि वो मेरी कंप्लाइंस में बैठ सके।
तलहा बैठ जाओ ना, ऑरेंज स्टूल पे बैठो, ऑरेंज स्टूल पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर मैंने रख दिया, चलो बैठो बैठो बैठ जाओ ऑरेंज स्टूल पे बैठो। वेरी गुड, ताकि इस बच्चे को पहचान भी हो और मेरी कंप्लायंस में बैठे, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है। बैठ जाओ ना, नीचे को बैठ जाओ। ये होता है कि ये मुख्तलिफ जगहों पर जो है इनको पहले सिटिंग डिसिप्लिन नहीं आता होता, तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिटिंग डिसिप्लिन मैंने इसको सिखाया है, तो ताकि ये जिस जगह पर मैं चाहूँ, जिस घर में मैं चाहूँ, तो वहाँ पर ये बैठ सके। तला इधर भी सीधे बैठना, पीछे जाओ, पीछे जाओ, तला पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे 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 जाओ। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तला और इस रोल से उतरो, 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 बाजू वाली चेयर पे बैठो, बाजू वाली चेयर पे, बाजू वाली चेयर पे। वेरी गुड, आम चेयर पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे को बैठ जाओ, पीछे को बैठ जाओ। वेल डन, वेल डन। अच्छा तला इधर से उतरो, बाजू वाली चेयर से उतरो, और ठहरो, वेट 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 वेट, इधर वेट करो, और आप बैठो बगैर बाजू वाली चेयर पे, बैठो बगैर बाजू वाली चेयर पे। बगैर बाजू वाली चेयर कौन सी है? ये है, ये, ये बगैर बाजू वाली है, इस पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इस पर बैठ जाओ। शाबाश, बैठ जाओ, पीछे के बैठो, 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 शाबाश, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे, पीछे को बैठो ना, पीछे, पीछे को बैठो, शाबाश, पीछे को बैठो। वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलो तलहा पिंक वाले स्टूल पे बैठो, पिंक वाले स्टूल पे, देखो पिंक वाले स्टूल कहाँ है, बैठ जाओ, हाँ इस पर बैठ जाओ ना, उठाओ नहीं, उठाओ नहीं, बैठ जाओ बस इस पर, बैठ जाओ, उठाओ नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पिंक वाले स्टूल पे बैठ जाओ। चलो जी तलहा उठो, मुड़े पे बैठ जाओ, मुड़े पे, मुड़ा, मुड़े पे बैठो, मुड़े पे, मुड़ा, बैठ जाओ, मुड़े पे बैठ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। तलहा येलो स्टूल पे बैठो, येलो स्टूल पे, येलो स्टूल, वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ, येलो स्टूल पे बैठ जाओ। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए जहाँ जहाँ पर मैं चाह रहा हूँ तो वहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है और सीटिंग अपनी मेंटेन कर रहा है। तलहा आप ब्लू वाली चेयर में बैठो, जाओ ब्लू वाली चेयर पे, शाबाश, ब्लू वाली चेयर पे बैठो, ब्लू वाली चेयर पे, वेल डन, वेल डन, शाबाश। अच्छा हाँ बेबे बिठा दे बेटा, तो तलहा पर्पल वाली चेयर पे बैठो, पर्पल वाली चेयर, पर्पल वाली चेयर पे, पर्पल वाली चेयर पे, वेरी गुड, शाबाश। इधर उतरो, उतरो, शाबाश, बैठे रहो तलहा, इस पे बैठो, ब्लू वाली चेयर बैठो, फिर आप ब्लू वाली चेयर बैठो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ जी। तलहा वेट 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 वेट, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, वेल डन, मेरे पास आओ, सर के पास आओ, सर के पास, वेरी गुड। देखिए अभी मैंने इसको अपने पास बुलाया, ऑटिस्टिक बच्चे किसी के पास भी नहीं जाते होते, जब हम उनको कॉल करते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और जहाँ जब जब मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो उसको फॉलो करता है और मेरी कंप्लाइंस में काम कर रहा है। अब तलहा जाओ, जाके वाइट स्टूल पे बैठो, वाइट स्टूल पे, वाइट स्टूल पे, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन। अच्छा तलहा वेट करो, वेट वेट वेट, ये रो तलहा, बनाना खाओ, बनाना, इसको भूख लगी है ना इसको, चले बनाना खाओ तलहा, बनाना खाओ, इसको छीलो, पील ऑफ करो, शाबाश करो, शाबाश, वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेल डन, वेल डन जी जी जी। अब इस पे रख दो, इस पे रख दो, वेल डन, शाबाश। बच्चे खुद से खाते नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह इन इस बच्चे को मैंने खाना सिखाया, हर तरह की चीज़ सिखाई है, क्योंकि आर्टिस्टिक बच्चों में ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो खाना नहीं खाते खुद से, और अगर हम ज़बरदस्ती भी खिलाते हैं तो भी वो नहीं खा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपनी कंप्लायंस में रखा हुआ है और इसको बिठा कर हमने माशाल्लाह पेरेंट्स के साथ मैंने मिलकर तो उनको ट्रेनिंग देकर और उसको थेरेपीज देकर इसको खाना खाने की सिखाया। बैठ जाओ ना तलहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, व्हाइट स्टूल पे बैठ जाओ, बैठ के खा लो बेटा, वेट करके, वेट करके, वेट करके मेरे खा लो, वेट 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 करके तलहा, वेट करो, वेट खा लो, खा लो मेरे, कहा वेरी गुड, खा लो, शाबाश, खा लो, खा लो, शाबाश, वेल डन, वेल डन, ताकि हाइजीनिकली ये भी अपने आप को सेट कर सके, ताकि ये इसको पता हो सैनिटेशन क्या हो, सफाई का भी ख्याल रख सके। चलो जी बैठ जाए, वेट करो। अच्छा तलहा अब मैं तलहा को हमने इस उसमें मैंने अपने सेशन में डिफरेंट टाइप्स के उसमें मैंने उसको शूज़ पहनाना भी सिखाया है। अब मैं इसको भेजूंगा ताकि जाए अपने शूज़ खुद से पहने, जो कि स्ट्रैप वाले,
क्योंकि बच्चों के लिए पहनना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे काम ये बच्चे करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हर किस्म का काम, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते हैं, हमारी कंप्लाइंस में नहीं करते। तो मैंने इसको अपनी कंप्लाइंस में शूज़ पहनाना, ये सारी चीज़ें जो कि फाइन मोटर स्किल्स में आता है, सिखाया। तो हाँ, खड़े हो जाओ, इधर मेरे पास आओ, इधर आओ, शूज़ पहनो। अब देखिएगा ये खुद से शूज़ की तरफ जा रहा है, और चलो पहन लो शूज़। शाबाश, शूज़ पहन लो। अब आप इसको नज़दीक से देखिएगा तो ये किस तरह से स्ट्रैप वगैरह ओपन किया है इसने, और स्ट्रैप ओपन करने के बाद अब ये इसे बंद कर रहा है ताकि ये प्रिपेयर हो सके कहीं बन जाने के। शाबाश, पहन लो, वेरी गुड, पहन लो। चलो स्ट्रैप डालो इसके अंदर। देखिए इसको स्ट्रैप अंदर डालना, पहनाना, सब चीज़ें, ताकि ये इंडिपेंडेंटली अपने काम कर सके, ये बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि ऑटिस्टिक बच्चे जितने भी हैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, तो इनको इंडिपेंडेंटली काम करना सिखाना पड़ता है। चलो तला इधर, वेट, जाओ उधर, इधर आ जाओ, तो देखिए अब इस ऑटिस्टिक बच्चे को मैं जहाँ पर चाहता हूँ मैं इसको वेट कराता हूँ, जहाँ पर चाहता हूँ इसको मैं लेके जाता हूँ। ये चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ कोर्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बच्चे इंडिपेंडेंटली कर लें तो ये उनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि ये हमारे डिपेंडेंट होते हैं और अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं और हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करते, अपने बल्कि अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, जो कि इन्होंने जिनको किसी किस्म का काम नहीं आया होता। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे को ये सारे डिसिप्लिन जो हैं सिखाएँ। अब मैं आपको आगे मज़ीद लेके जाऊँगा ताकि ये स्टेयर्स पे मैंने जो उसको सिखाया है, ताकि वो स्टेयर्स पे नीचे उतर के मैंने उसको खुद से स्टेयर से उतरना सिखाया है। जब भी सीढ़ियों पे जाता था ये भागने लग जाता था, स्टेप अप और स्टेप अप डाउन ये करता ही नहीं था, बल्कि इसको ये फीलिंग ही नहीं थी कि मुझे चोट लगेगी। मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह स्टेयर से खुद इंडिपेंडेंटली उतरना सिखाया विद स्पेसिफिक पेस, ताकि ना क्विकली ये स्टेप डाउन हो ना ही ये तेज़ी से स्टेप अप हो, क्योंकि उसमें सीढ़ियों पे सबसे बड़ा जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि उतरते हुए चोट लगने का खतरा होता है। तो मैंने इस बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह ये सिखाया कि आराम से उतरना है, ताकि एक खास पेस में, एक नॉर्मल पेस में, ताकि सीढ़ियों से बच्चा गिरे ना और उसको चोट ना लगे। ये बहुत लाइफ स्टेक ये एक्टिविटी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ इस बच्चे को स्टेयर से स्टेप डाउन कराने में और स्टेप अप कराने में। आप काइंडली प्लीज़ ज़रा इधर, ये देखिए मैंने इसको वेट कराया हुआ है, ये वेट किया हुआ है, हाँ वेट, वो कह रहे वन स्टेप आगे, लेकिन मैं उसको वेट करा रहा हूँ ताकि वो वेट करेगा तो वो स्टेयर से नीचे उतर सकेगा और इसी तरह से आगे जा सकेगा। तो अब मैं तला को बुलाता हूँ, तला इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ, शाबाश, वन स्टेप आगे, वेट इफ्रा, वेट इधर ही वेट करो, आ जाओ वन स्टेप आगे, आ जाओ तला आ जाओ। देखिए अभी इंडिपेंडेंटली शुरू में, हाँ वन स्टेप आगे, आ जाओ वन स्टेप आगे। शुरू में मैंने इसको हाथ पकड़ के उतरना सिखाया, स्टेप डाउन सिखाया, हाँ वन स्टेप आगे, आ जाओ। तो फिर वक्त के साथ इफ्रा आ रहे हैं, वेट करो। तो उसके बाद अब इसको जो है ये अब इंडिपेंडेंटली स्टेप डाउन कर रहा है और इंडिपेंडेंटली ये स्टेप अप होगा। आ जाओ नीचे, वेरी गुड, शाबाश, आ जाओ तला नीचे। शाबाश, वेरी गुड, आ जाओ। देखिए कितने नॉर्मल पेस से, कितने स्मूथली ये स्टेप डाउन कर रहा है, वरना ऐसे बच्चे इतने हाइपर एक्टिव और एग्रेशन होता है इनमें कि ये आराम से ये उतरते नहीं। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, जब तक हम उसमें टेक्निक्स का यूज़ नहीं करेंगे ये बच्चे नहीं सीख पाएंगे। अच्छा इधर वेट करो। अच्छा एहराम इधर आओ, बाहर आओ। हाँ जी, आ जाओ तला, एहराम को सलाम करो, अस्सलामुअलैकुम, इधर आओ, एहराम को सलाम करो, इधर आइए, सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम, देखिए इसको सोशलाइजेशन भी सिखाई है उसने खुद से। दोबारा एक से वेट करो तला, एहराम, तला सलाम करो, दोबारा से एहराम को सलाम करो, अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग के जरिए थ्रू टेक्निक्स, वेट करो, मैंने इसको सिखाया है ताकि ये इधर मेरे पास आ जाओ। तो सिखाया ताकि ये जब भी किसी फैमिली गैदरिंग में किसी से पास जाए तो ये उसके बाद उधर उनको सलाम करे। वेट करो। अब आप काइंडली प्लीज़ ज़रा पहले आप हुआएगा तो फिर तला इधर, वेट करो। जी, इधर ही वेट करो। देखा मैंने उसे जैसे ही वेट कराया है तो वो वेट पर ठहरा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसे दोबारा से स्टेप अप कराऊंगा स्टेयर से, ताकि ये सीख सके कि इन्हें सीखा हुआ तो है, ताकि ये आपको बताना ये चाह रहे कि ये बच्चे हर किस्म का काम अपने डेली लाइफ कोर्स का आम नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर सकते हैं, बस सिर्फ थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग और टेक्निक्स की चाहिए, जो टेक्निक्स यूज़ करके और ट्रेनिंग दे के की जाएँ तो ये बच्चे स्मूथली आपके कंप्लायंस में और इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। आ जाओ भी तलाव ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये देखा मैंने इसको ऊपर बनाने का कहा है, माशाल्लाह देखें किस तरह से। आराम आराम से आना तला, आराम आराम से। वेल डन वेल डन वेल डन। इधर की इधर से आओ तला, इधर से इधर से इधर से गिर जाओगे, उस तरफ हो जाओ, उस तरफ हो जाओ। इधर 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 आओ, इधर इधर आ जाओ, इधर इधर से आओ, इधर से स्टेयर से। हाँ शाबाश, और आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखिए ये स्टेप अप हो रहा है, इन्हें खुद से इंडिपेंडेंटली सीढ़ियां चला। आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। देखिए आराम आराम से देख देख के हाथ भी रखकर, जो कि ये बच्चे इस तरह का काम करते नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे को इधर से तला, इस वाली दीवार से शाबाश, इधर से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अब देखिए ये वही बच्चा है जो आगे स्टेप अप होके ऊपर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको तला, इधर आ जाओ, इधर मेरे पास आ जाओ, वेट करो, वेट वेट, इधर ही वेट करो, वेट वेट, ले हो गया। आ जाओ तला, आ जाओ, शूज़ उतारो, शूज़ उतारो, इधर शूज़ उतारो। जैसे कि शूज़ पहनाना उसे मैंने सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे वो खुद इंडिपेंडेंटली शूज़ उतारता भी है। ये काम जब तक हम इनको ट्रेन नहीं करेंगे तो ये बच्चे कैसे सीखेंगे। इधर वेट करो, वेट वेट, शूज़ बाहर रखो, हाँ ये देखा, उसने शूज़ भी बाहर रखे। इधर वेट करो, वेट करो तला, वेट करो, वेट वेट, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, इधर वेट, उधर देखो, उधर देखो। अब ये वही बच्चा है जो इसने सारी मुख्तलिफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं, जो डेली लाइफ टाइम में किए। और मेरी उंगली पकड़ो तला, ये लो मेरी उंगली पकड़ो, उंगली पकड़ो, इसे उंगली पकड़ना भी सिखाया, ताकि मैं रोड पर कहीं जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा, वेट करना, तो ये मेरी उंगली पकड़कर चीज़ों के पीछे भागे ना, ना गाड़ियों के पीछे, ना किसी टॉयज़ के पीछे, या ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ों के पीछे जिसमें अमूमन ऑटिस्टिक बच्चे ये हैबिट रखते हैं अपने अंदर कि वो इनके पीछे हाइपर एक्टिव होकर भागने लग जाते हैं। तलहा एक सेकंड बैठो, इस पे बाजू वाली चेयर बैठो, जाओ बाजू वाली चेयर बैठो। अब देखेंगे वही बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जो कि पीछे को बैठो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ तला, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे तला, पीछे हो जाओ ना, पहुँच ही देख रहा हूँ, शाबाश शाबाश। अब देखिए आराम से डिसिप्लिन से जिस पोजिशन और जिस पॉस्चर तला, नहीं उठो, बैठो, रख दो रख दो, कैबेज रख दो, कैबेज रख दो, वेल डन। जिस पोस्चर से मैं उसको नीचे ले गया था उसी पोस्चर में वापस आके अल्हम्दुलिल्लाह ये बैठ गया। और ये इसके रैंडमाइजेशन मुख्य जो तला, कॉर्न रख दो, कॉर्न रख दो, वेरी गुड शाबाश, कॉर्न रख दो, इधर इधर सीधे होकर बैठो, आगे होकर बैठो, आगे आगे जाओ, शाबाश। तो यानी इस तरह से जब तक हम ये एक्टिविटीज और ये ट्रेनिंग वगैरह नहीं सिखाएंगे, ये इनको ज़रूरी ज़रूरत होती है ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रेनिंग की, हम अगर इनको ट्रेनिंग सिखाएंगे तो ये सीख पाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि जिन पेरेंट्स के ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो अपने बच्चों पर ज़रूर तवज्जो दें, उनके लिए टाइम निकालें और उनको सिखाने की कोशिश करें, तो ये ज़रूर सीख जाती है। इसमें आप ये देखें, इसका जो स्पेक्ट्रम था ऑटिज़म का वो वेरी सीवियर था, तो उस सवियर सवियर से मैं इसको कामनेस की तरफ लेके गया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की कॉपरेशन से ही ये हुआ है, यानी म्यूचुअल है ये। तो जब तक हम इनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे कैसे सीखेंगे, इसलिए इनके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, 100% कंप्लायंस में, और वही काम करते हैं जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। बस सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इन बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया जाए, टेक्निक्स यूज़ की जाएँ और इनको ट्रेनिंग दी जाए। तो बस अभी मेरा आपसे यही कहना है, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।